चोरों के इरादे इतने बुलंद है कि वे सड़क किनारे लगी सब्जी की दुकान की सब्जियां भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला सोलन शहर के जानजी रोड में सामने आया है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यहां पर राजेंद्र कुमार अपनी सब्जी की दुकान लगाते हैं और रात के समय सब्जियों को तरपाल से ढककर चले जाते हैं। यहाँ पर चोरों के इरादे इतने बुलंद है कि वे रात को यहाँ पर आकर तरपाल हटाकर सब्जियाँ ही चोरी कर देते हैं, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और ये जौनाजी रोड पे मेरी एक छोटी सी दुकान है जो बाहर ओपन में ही लगती है, जिसको मैं तरपाल से बंद करता हूँ। तो उसमें मैं अभी नई सेब की पेटी ला के रखी थी, जो पिछले दिन जब दूसरे दिन आया मैं तो देखा कि सेब की पेटी नहीं, तो वहाँ सामने वाली बिल्डिंग पे कैमरा लगा हुआ सीसीटीवी। फिर भैया को बोला कि भाई एक बार चेक कर दो, तो उन्होंने देखा तो रात को 12-12:30 के बीच कोई आया और चारों साइड घूम के एक साइड से उसने खोला तरपाल को, आराम से पेटी को निकाल के कट्टे में डाल के ले गया। और उसी दिन उसी रात को साथ वाली एक शॉप है जहाँ पर प्याज का पूरा कट्टा ले गया उठा, और ऐसे वो पहले भी 3-4 कर चुका है। तो काम करना मुश्किल हो गया है? काम करना मुश्किल है सर, जो कुछ बचता है 2-3 में कमाते हो, चौथे पांचवे दिन वो सारा सामान ही चक्के ले जाता है। तो आप क्या डिमांड करते हैं? मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आके एक बार रात को एक आधी बार राउंड मारे, या जो मेरे पास एक बार जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें अगर उसकी पहचान कुछ हो सके तो उससे हमारे को कुछ बेनिफिट हो जाए कि उसको पकड़ा जाए। क्योंकि आए दिन जो हम 4-5 में जो सेविंग कर पाते हैं वो आके सबसे महंगी आइटम उठा के ले जाता है। कहाँ की घटना है और आपका नाम क्या है?